खबर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से है, जहां रायपुरा में दूषित पानी पीने से लगभग एक दर्जन लोगों के बीमार होने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक पूरे नगर में नल जल योजना के तहत कुएं से पानी की सप्लाई की जाती है, लेकिन नलों से गंदा और बदबूदार पानी पीने की वजह से नगर के लगभग एक दर्जन लोग बीमार हो चुके हैं, जिन्हें परिजनों के द्वारा स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। दरअसल इन दिनों देश और प्रदेश के साथ साथ पन्ना जिले में भी बारिश का दौर जारी है। बीते 3-4 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, ऐसे में जल स्तर बढ़ने की वजह से नलों में मटमैला पानी आ रहा है। बता दें कि फिलहाल सावधानी के तौर पर नगर में केवल बोर के पानी की नल जल के माध्यम से सप्लाई की जाएगी। स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और हम लोगों के रेपरा ग्राम में केवल पेयजल व्यवस्था जो है वो टोटी के द्वारा ही सप्लाई होती है, इसके अलावा कोई पीने का साधन नहीं है। और एकमात्र साधन है वो वहाँ के पानी के अलावा कहीं जाते नहीं है, और लगातार 3-4 दिनों से उसमें हल्की हल्की बदबू आ रही थी। एकाएक आज बदबू इतनी आई और धीरे धीरे मोहल्ले के हमारे मतलब 3 से 4 लोग ऐसे बीमार पड़े, हमारे घर में भी 2 सदस्य बीमार पड़े, और आज हमारा भी सिर दर्द दे रहा है और हल्का बुखार है। इस कारण से हम सभी लोग यहाँ पास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रेपरा आए। 10-15 लोग अभी पीएससी रेपरा में आए हुए हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे लोग भी हैं, बच्चियाँ हैं। वो अपनी शिकायत लेकर के आए हैं कि हमें बुखार, सर्दी, जुकाम, खुरदे, दस्त इस तरह से हो रहा है, उनकी जांच परीक्षण किया जा रहा है। यहाँ पर पैथोलॉजी वालों को भी बुलाया है, तो उनके खून की भी जांच की जाएगी, और जैसे भी उसका रिजल्ट आता है उस तरह उनको उपचार किया जाएगा। और यहाँ के कुओं में ब्लीचिंग पाउडर भी डलवा दिया गया है, और गाँव में भी यहाँ पर सर्वे करवा रहे हैं कि किस किस आशा कार्यकर्ता ए एन एम से किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो यहाँ अवगत कराएँ।